अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ खान एसीपी मोटर यूसुफ आगा और आज आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ और एक नई गाड़ी के साथ आप लोगों के लिए दोस्तों आज गाड़ी का आप लोगों को मैं एक मॉडल वेरिएंट बताता हुआ चलो। इससे पहले दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो आपको मिले। अच्छा दोस्तों, आप लोग बोलोगे यार कि पिछले कोई तीन दिन से आप जो है वो पिक्चर्स वाली वीडियो शेयर कर रहे हैं, जो कि बॉर्डर्स के पिक्चर होते हैं, बॉर्डर्स की गाड़ियां होती है, आप उसकी पिक्चर शेयर कर रहे हैं, आप अपनी गाड़ियों की वीडियो शेयर नहीं कर रहे और आप फेस टू फेस भी नहीं आ रहे। तो दोस्तों असल में वजह ये होती है या तो मैं ज्यादा मसरूफ होता हूं तो इस वजह से जो है मुझे टाइम नहीं मिलता है वीडियो बनाने के लिए, तो वो वीडियो इजीली बनती है तो इस वजह से मैं वो बना के आप लोगों की अपलोड करता हूं, लेकिन मैं बनाता जरूर हूं आप लोगों के लिए वीडियो। अच्छा जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं जरूरी कोई ना कोई वीडियो बनाता हूं, अगर टाइम भी मिले और मैं वीडियो ये वाली अपने फेस टू फेस अपलोड ना करूं तो समझ लो कि यार आपके भाई के साथ जो है शोरूम में जो है कोई नई गाड़ी नहीं आई है, आपके भाई के पास कोई दूसरी नई गाड़ी नहीं मिली हुई, तो इस वजह से जो है फिर मैं उन गाड़ियों की वीडियो नहीं बनाता हूं, तो फिर फेस टू फेस नहीं आता हूं आप लोगों के लिए। मैं बनाता हूं एक ऐसी वीडियो बनाता हूं जो कि बॉर्डर की पिक्चर में मेरे पास होती है, मिसाल बॉर्डर की गाड़ी आई हुई होती है और तो मतलब हम लोग जो वहां से परचेस करते हैं, हम लोग जो है ना बाय पिक्चर्स के थ्रू जो है हम लोग जो है ना वहां से बाय करते हैं, चाहे अपने लिए चाहे कस्टमर्स के लिए, तो वो आप लोगों के लिए शेयर करता हूं, लेकिन आप लोगों की मैं गाड़ी लाता हूं जरूर। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए जो मैंने गाड़ी लाई है आप लोगों को इस गाड़ी का मैं एक मॉडल वेरियंट बताता हूं। जो आज की गाड़ी जो है जापान की मैनुफेक्चर है, टोयोटा कंपनी की है, क्राउन। अच्छा क्राउन में मॉडल कौन सा मॉडल ये है, आज की गाड़ी जो है 2009 मॉडल का क्राउन है और 2009 में तो हाइब्रिड ही आई है और इसमें जो है शादी भी आई है, हाइब्रिड तो आई है, जिसकी मैंने ब्लू कलर की जो खांचा पीस थी वो लाई थी आप लोगों लाया था आप लोगों के लिए, वो जो है वो हाइब्रिड थी, लेकिन आज ये गाड़ी जो है ये हाइब्रिड नहीं है, ये सादा है, लेकिन इंजन में इसमें 3500 सीसी ही इंजन है, इसमें जो है 2500-3000 इसमें नहीं आती, इसमें 3500 सीसी ही इंजन आती है, हाइब्रिड आती है और सादी आती है, और सादी मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें सनरूफ वाली आती है और बगैर सनरूफ की फुली लोडेड आती है, जिसमें ऑटो डोर, क्रूज रडार वगैरह मिसाल सबके सब ऑप्शन होते हैं, हाइब्रिड होती है वो आती है, उसके बाद जो है एक बिल्कुल सादी होती है जो कि आज की गाड़ी जैसे है ना ऑटो डोर है और न साथ ही साथ ये हाइब्रिड है, सिंपल सादी 3500 सीसी चार्ज ऑटो डोर वगैरह मिसाल ज्यादा ऑप्शन इसमें नहीं है, बिल्कुल सिंपल गाड़ी है। अच्छा तो दोस्तों आज की गाड़ी तो आप लोगों को मैंने बता दी 2009 मॉडल, 3500 इसमें इंजन है, सुपर चार्ज कह सकते हैं, 3500 सुपर चार्ज इसमें इंजन है, क्राउन 2009 मॉडल जो केपल व्हाइट कलर में, बहुत ही प्यारी और अच्छी गाड़ी। अच्छा आज की गाड़ी जो है बिल्कुल फ्रेश नहीं है, बिल्कुल फ्रेश नहीं है, लेकिन कंडीशन बहुत ही बेहतरीन इसका कंडीशन है, आज की गाड़ी का जो कंडीशन बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन कंडीशन। अच्छा वीवीआईपी नहीं, क्योंकि वीवीआईपी कंडीशन आप लोगों को मैंने बताया था जो कि क्राउन मैंने आप लोगों के लिए लाया था 16 लाख रुपए में, लेकिन आज की ये गाड़ी इसकी कीमत कम है, लेकिन उस कीमत के मुताबिक जो ये गाड़ी उसका कंडीशन फिर भी अच्छा है और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि मैं मेरे साथ घूम रही है गाड़ी में, अंदर आ चुकी है तो मुझे मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इसको पहले निकाल दूं फिर आप लोगों की वीडियो बनाऊं, क्योंकि मुझे थोड़े काम भी है। तो आज की जो गाड़ी आप लोगों को मैंने बता दी थोड़ी चली हुई है, ज्यादा नहीं थोड़ी चली हुई, लेकिन बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारे कंडीशन में गाड़ी आप लोगों को कंप्लीटली दिख जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं गाड़ी, आप लोगों को मैं बॉडी दिखाता हूं गाड़ी का। तो दोस्तों ये रही आज की गाड़ी, सबसे पहले आप लोगों को मैं गाड़ी का राउंड व्यू दे देता हूं कंप्लीटली, बहुत ही प्यारी और बहुत ही लग्जरी गाड़ी। सबसे पहले आप जो है ना गाड़ी का कम्प्लीटली आप कलर देख सकते हैं, बिल्कुल शाइनिंग और बहुत ही बेहतरीन इसका कलर है, व्हाइट कलर में है, पल व्हाइट नहीं है, व्हाइट कलर में ये आई हुई है और बड़े ज़बरदस्त इसके ओरिजिनल, इसमें बड़े जो है ना इसमें लाइट लगे हुए जो बैक लाइट है इसके, बड़े ज़बरदस्त इसमें बैक लाइट लगे हुए, ओरिजिनल जीनियन इसमें अपने रिम लगे हुए जो कंपनी से आते हैं। अच्छा जो एक हाइब्रिड में अलग रिम आते हैं लेकिन सादी में जो है इस तरह के रिम आते हैं गाड़ी। बाकी आप देख सकते हैं ये हल्का हल्का जो है ना यहाँ पर टेप लगा हुआ, ये कल दोस्त ने ले गया था शादी के लिए, उसने शादी इस गाड़ी में अटेंड की हुई है। और फ्रंट तो आप लोगों को पता ही है कि इसका बहुत ही प्यारा और बहुत ही लग्जरी इसका फ्रंट है, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा और बहुत ही लग्जरी इसका फ्रंट है। अच्छा अब स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा फ्रंट, फ्रंट पे आप लोग देख सकते हैं इसमें जो है एक ये लेज़र लाइट लगा हुआ, यहाँ पे ये सादा लाइट लेज़र विद सादा लाइट है और ज़बरदस्त की अपनी इसमें रॉयल सैलून की ये अपनी इसमें जाली है, साथ ही साथ अगला भी वैसा ही है और फॉग लाइट्स लगे हुए हैं। अच्छा ये गाड़ी जो ओरिजिनल नहीं है, नॉन कस्टम पेड है दोस्तों, ये गाड़ी जो है नॉन कस्टम पेड है, ओरिजिनल गाड़ी नहीं है। अच्छा इसके साथ जो है ना डॉक्यूमेंट्स भी है, डबलिंग डॉक्यूमेंट्स भी इस गाड़ी के साथ है और इसमें ये रिम लगे हुए आप देख सकते हैं, बड़ी बड़ी जबरदस्त और प्यारे इसमें रिम लगे हुए हैं। गाड़ी टोटली गाड़ी जो है मिसाल ये कि गाड़ी में कोई स्क्रैचेस वगैरह नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरी इसकी बॉडी है, बिल्कुल साफ सुथरी इसकी बॉडी, आप रिम देख सकते हैं बिल्कुल साफ सुथरा इसमें रिम है। अच्छा इसके चाहे फ्रंट बम्पर हो चाहे बैक बम्पर हो, चाहे फ्रंट के बम्पर और बैक बम्पर दोनों में जो है सेंसर लगे हुए हैं, बड़े ज़बरदस्त इसमें लाइट लगा हुआ जो कि इसका इंटीरियर का निकल भी जो है वो वाइट कलर का है और ऊपर जो इसका ग्लास है वो तो जो प्लास्टिक है वो तो वाइट का, ये निकल जो है वो वाइट कलर का, इस वजह से ये जो है ना बहुत ही प्यारी लग रही है। इसमें रेड निकल वाली भी आती लेकिन ये जो है वाइट निकल वाली है, रॉयल सैलून है, रॉयल
रॉयल सैलून है, हाइब्रिड में रॉयल सैलून वगैरह नहीं आती, उसमें जो है सिर्फ सादा आती है, उसमें एथलीटस आती है और सादी, मिसाल एक एथलीटस उसमें आती है और जो कि जिसमें सनरूफ आते हैं और एक सादी आती है। अच्छा ये जो है बिल्कुल सादी है, तो गाड़ी बिल्कुल साफ सुथरी आप देख सकते हैं, कोई स्क्रेचेस वगैरह नहीं। अच्छा इसमें आप लोगों को मैंने ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका फ्रंट का शील्ड जो है, इस साइड का भी शील्ड नहीं, अगले साइड का भी शील्ड नहीं, इस वजह से जो है ना थोड़ा सा ये अजीब सा दिख रहा है क्योंकि यहाँ का शील्ड नहीं है। शील्ड होता तो ये मिसाल आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये शील्ड नहीं है, इसका शील्ड निकला हुआ है, टूटा हुआ है, जो भी हुआ है इसका फ्रंट शील्ड नहीं है। बाकी गाड़ी जो है रूफ भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल साफ सुथरा और बहुत ही बेहतरीन इसका रूफ है, कोई भी काम नहीं है गाड़ी में, किसी हवाले से कोई भी काम नहीं है। अच्छा दोस्तों बॉडी तो आप लोगों ने देख ली, अब इंटीरियर आप लोगों को दिखाता हूँ, चूंकि इसका कितना प्यारा और कितना बेहतरीन इसका इंटीरियर है, विद क्या क्या ऑप्शंस इसके इंटीरियर में, अच्छा वो भी आप लोगों को बताता हुआ चलू। तो गाड़ी का इंटीरियर आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले इंटीरियर आप ये देख ली जो है इसका, अच्छी गाड़ी का जो इंटीरियर उसमें जो है दो कलर यूज हुए, दो कलर ही यूज हुए है और बेज यूज हुआ है। गाड़ी बहुत ही अच्छी कंडीशन में, हल्की इसकी सीट्स गंदे हैं, इसकी सीट्स की हल्की सी सफाई चाहिए, लेकिन इसमें अपने ओरिजिनल जीनियन सीट से, लेकिन इतने बड़ी इशू भी नहीं है, हल्के गंदे हुए हैं क्योंकि थोड़ी सी चली हुई गाड़ी आप लोगों को मैंने बताया, और फिर बॉर्डर से आते वक्त भी जो है कभी कभी गाड़ियों में चीजें रख देते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंटीरियर से, इंटीरियर आप देख रहे हैं, इसका डैशबोर्ड देख रहे हैं बिल्कुल साफ सा और बहुत ही बेहतरीन इसका डैशबोर्ड। अच्छा यहाँ पे हल्का सा निशान, ये किस वजह से जो है ये टिशू का बॉक्स रखा था तो इसके नीचे कुछ टेप वगैरह लगा है, इस वजह से हल्का सा निशान आया, लेकिन बाकी बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा कंडीशन में इसका डैशबोर्ड। यहाँ पे बेज यूज हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पे हैंडल में बेज यूज हुआ है और यहाँ पे बेज यूज हुआ है, यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं इस पर्दे पे जो है ना जो इसने ऑडियो टेप को छुपाया हुआ, यहाँ पे लोगो है, यहाँ पे जो है ये लगा हुआ है, बेज लगा हुआ है और साथ ही साथ स्टेयरिंग में लगा हुआ है। अच्छा बहुत ही प्यारी और खूबसूरत गाड़ी है, आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। अच्छा ये जो है इसके ये दो बटन और ये बटन और ये बटन, ये एसी के बटन है, ये एसी के बटन है और ये चार बटन और ये तीन बटन जो है, साथ ही साथ ये जो ये आपके जो स्क्रीन है जो ओरिजिनली जापान की स्क्रीन है कंपनी ने लगाई है। अच्छा आप इस स्क्रीन को बगैर MP3 की भी आप जो है इसको ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे ये ऑडियो टेप पे CD वगैरह आप यहाँ से डाल सकते हैं। ऑटोमेटिक गाड़ी है, बहुत ही प्यारी और खूबसूरत गाड़ी है। अच्छी यहाँ की जो ये ऑप्शन है ये भी आप लोगों को मैं यहीं से साथ ही साथ बताता हुआ चलो, ये जो है आप लोगों को मैंने पिछली गाड़ी में दिखाया था, स्ट्रिंग एडजस्टमेंट के लिए है, ऑटो पार्किंग है और साथ ही साथ जो ये ऑप्शन है, ये दो ऑप्शन है ये TV का, ये आप लोगों को मैं गाड़ी स्टार्ट करते हुए दिखा दूंगा और बाकी जो है मल्टी मीडिया वगैरह है। गाड़ी बहुत ही प्यारी और खूबसूरत गाड़ी, जबरदस्त इसका बड़ा कैमसोल और इसकी जो सीट से करंट कंट्रोल सीट से, यहाँ पे जो इसका कुशन है वो येलो कलर का है, ऊपर ब्लैक कलर का, इसी तरह रूफ येलो कलर का और डैशबोर्ड जो ब्लैक कलर का, दो कलर आज गाड़ी में जो है दो कलर यूज हुए हैं। और मल्टीमीडिया भी जो इसके स्टेयरिंग में मल्टीमीडिया है, यहाँ पे बेज यूज हुआ है, यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा इसमें बेज यूज हुआ है, मल्टीमीडिया है आप देख सकते हैं, ये जो है वॉइस के लिए है जो है, आप सॉन्ग्स वगैरह चेंज कर ले मूड के लिए है और मिसाल ये इसके लिए जब आप फोन कर सकते हैं यहाँ पे यहाँ से वॉइस सेंड कर सकते हैं, मिसाली इसको प्रेस करके आप यहाँ से जो है ना बात भी कर सकते हैं, यहीं से गाड़ी मोबाइल की जरूरत नहीं, यहीं से बात भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो है ये इसका ऑप्शन है, आप लोगों को मैंने दूसरी गाड़ी में बताया ये जो है ना ये ऑप्शन किस लिए होता है कि साइड जो कैमरा आता है, साइड मिरर में कैमरा आता है, उसके एक्टिव करने के लिए ये ऑप्शन है। वैसे तो रिवर्स पर डालते हुए यहाँ पे बैक कैमरा आ जाता है और इसको जो है ना आप यूँ प्रेस कर ले तो इसमें जो है साइड व्यू भी आप लोगों को यहाँ से दिख जाता है। अच्छा इंटीरियर में जो है पुश स्टार्ट है और साथ ही साथ ये भी बहुत एक बड़ी चीज़ है आप लोगों को बताना मैं चाह रहा हूँ। अच्छा इसमें जो है शेड वाली ऑप्शन नहीं है, जो कि क्राउन में शेड वाला ऑप्शन था इसमें वो नहीं है, ये तो इसके जो विंडो है उसकी है। अच्छा ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटोडोर, बाकी गाड़ी जो थी हाइब्रिड जो थी वो ऑटोडोर किस तरह थी, ऑटोमेटिक दरवाज़ा आप हल्की से बंद कर देते वो बंद हो जाती थी, लेकिन ये ऑटोडोर यहाँ पे इस पर यह प्रेशर लगा हुआ है, इसको खींच ले और ये ऑटोमेटिकली दरवाजे बंद हो जाते हैं। अच्छा अब करते हैं, सबसे पहले मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ और ये रहा सबसे पहले मैंने गाड़ी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं ये बताता हूँ कि ये इसका स्क्रीन खुल जाता है और ये रहा इसका स्क्रीन खुल गया है और अब स्टार्ट भी करते हैं साथ ही साथ, ये रहा गाड़ी स्टार्ट हो गया है, गाड़ी स्टार्ट हो गया। अच्छा गाड़ी तो स्टार्ट हो गया है लेकिन इसमें जो है अपनी इसमें जो है बाकी जो मैंने आप लोगों को क्राउन दिखाई थी उसकी टोटली डिजिटल थी, उसकी टोटली डिजिटल थी। इसका जो स्क्रीन है, इसका जो डैश वो है मीटर है वो डिजिटल नहीं है, साथ इसके डबल मीटर इसमें आए हुए हैं, डबल मीटर में है और यहाँ पर ये छोटा सा स्क्रीन यहाँ पर जो है ना ये आपको दिखाता है कि कितने किलोमीटर चली हुई है, सब कुछ जो है वो आपको यहीं पर दिखा देगा और साथ ही साथ पेट्रोल और गाड़ी की टेम्परेचर जो इंजन का टेम्परेचर वो आप यहाँ से देख सकते हैं।
अच्छा ये बटन आप लोगों को मैं दिखाना चाह रहा था कि ये जो यहाँ पे इन्होंने लगवाया है ये किस चीज के लिए है। अच्छा ये अब यहाँ पे एक दो छोटे से बटन लगे हुए आप देख सकते हैं, इस पे एक टीवी लिखा हुआ है, एक पे NAVI लिखा हुआ है, ये किस लिए स्क्रीन, तो आप देख सकते हैं। अच्छा ये मैंने टीवी पे प्रेस कर दिया है, ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे ये टीवी कनेक्ट हो जाता है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे टीवी स्टार्ट हो जाता है, जो आम खास इसकी जो अपनी इंटीना है वो टीवी खींचना स्टार्ट कर दिया, और नेवी पे कर देते हैं तो हम ऑटोमेटिकली जो है ना ये वापस बंद ही हो जाता है, ये आप देख सकते हैं वापस बंद हो गए। अच्छा स्क्रीन तो आप लोगों को मैंने इसकी ओरिजिनल इसमें स्क्रीन लगा हुआ है, जापान का इसमें स्क्रीन लगा हुआ है जो कि ब्लूटूथ कनेक्टेड कनेक्शन इसका अवेलेबल है। ऑटोमेटिक गाड़ी है, बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत। आप लोगों को तो खैर मैं ड्राइव करता हुआ दिखाता हुआ चलूँ, ड्राइव करने से पहले आप लोगों को बैक साइड दिखाता हुआ कि इसमें न बैक शीशों में इसका शेड है और न पिछले शीशों में इसका शेड है, बाकी जो है बाकी इसकी लाइटिंग वगैरह A to Z चाहे फ्रंट की लाइटिंग हो चाहे इंजन हो, सब कुछ जो है वो बिल्कुल ओके है, सब कुछ जो है वो बिल्कुल ओके है। जैसे आप लोगों को मैंने बताया था इसको जो है ना रिवर्स पे करते हैं तो ऑटोमेटिकली इसका जो शीशा है वो भी डाउन हो जाता है, ये आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली ये जो है इसका शीशा जो है नीचे चला गया, इसका जो साइड मिरर है, और इसको जो है मैंने अभी वापस पी पे कर दिया है, ये ऑटोमेटिकली ऊपर चला गया है। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों को मैं इस गाड़ी का इंजन भी दिखाता हुआ चलो कि इस गाड़ी का जो इंजन है वो किस तरह की है, 3500 में किस तरह की इंजन है वो आप लोगों को दिखाता हुआ चलो कि इसके इंजन का जो कवरिंग है, इसके इंजन का अपर है और जो 3500 हाइब्रिड की उसकी चेंज है क्या नहीं है। बिल्कुल ये सबसे पहली बात ये कि हाइब्रिड की इंजन और इसके इंजन में बिल्कुल फर्क है, फ्यूल में भी बहुत ज्यादा एवरेज में फर्क है और साथ ही साथ इसके इंजन में भी फर्क है। जो अपनी हाइब्रिड की इंजन आप देख सकते हैं वो इस तरह है, लेकिन इसके जो इंजन है वो आप लोगों को अभी दिखाता हुआ चलो इस तरह ही है। इंटीरियर आप देख सकते हैं कि इसमें इंटीरियर, अच्छा इसमें जो इसका इंटीरियर इस तरह का आता है, जो हाइब्रिड है उसकी इंटीरियर अलग आता है, उसका ये वाला जो कवर ये अलग आता है, साइडों से अलग आती है, यहाँ पे उसकी जो है ना तार गए हुए होते हैं वो हाइब्रिड के तार गए होते हैं, लेकिन इसमें ये नहीं क्योंकि ये हाइब्रिड नहीं, इसकी जो बैटरी वो यहीं पर आती है, हाइब्रिड की जो वो डिक्की में आती है इसकी बैटरी जो है वो यहीं पर आती है। बिल्कुल मिसाल ये आप देख सकते हैं कि सादी इसकी जो अपना इसका इंजन है वो बिल्कुल साफ सुथरा है, लेकिन सादा इसका इंजन है, हाइब्रिड तो नहीं है, हल्की इस पर मिट्टी पड़ी हुई आप देख सकते हैं, मिट्टी पड़ी हुई लेकिन बाकी जो है गाड़ी बिल्कुल साफ सुथरी है, आप देख सकते हैं इसमें मिट्टी पड़ी हुई है, बाकी गाड़ी का कंडीशन जो है वो बहुत ही अच्छा और बेहतरीन कंडीशन में है, गाड़ी का बहुत ही प्यारा और अच्छा कंडीशन है। ये इसका फ्रेम नंबर बिल्कुल आप सामने देख सकते हैं, ये इसका फ्रेम नंबर लिखा हुआ है, ये जो है इसका और इसके हाइब्रिड की जो गाड़ी उसका इंजन में डिफरेंस ये आता है और यहाँ पे लुक में भी डिफरेंस आता है। तो दोस्तों अभी आप लोगों को तो गाड़ी मैंने कम्प्लीटली दिखा दी, तो अब आ गई बात प्राइस की, आ गई तो दोस्तों एक एक ऐसी बात है जो आप लोगों को ये आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा था कि आज की जो गाड़ी है इसका प्राइस मैं आप लोगों को वीडियो में नहीं बताऊंगा, मजबूरन मैं आप लोगों को गाड़ी का प्राइस नहीं बता सकता। वजह क्या है, इसके कई वजूहत है यार, एक वजह यह है कि मिसाल ये इस गाड़ी का आप लोगों को मैंने प्राइस, मिसाल इस गाड़ी का मैंने आपको कुछ भी बता दिया, मैंने 50 लाख बता दिया, 60 लाख बता दिए, तो दोस्तों जब ये गाड़ी मैंने सेल कर दी शायद खुदा ना खासा हमारे यहाँ क्वेटा में शोरूम वाले मेरे से ले लेते, मिसाल की अच्छे रेट में गाड़ी हो तो वो मेरे से उठा लेते, उसने 4-5 गाड़ी मिसाल ये कि वो डायरेक्ट मैं वीडियो देता हूँ, डायरेक्ट आके मुझे उठा लेते कि आगा भाई ये गाड़ी मुझे दे दो, किसी को देना नहीं है, तो इस वजह से जो वो बेचारे कह रहे कि यार आगा भाई आप लोग आप गाड़ी अच्छी कीमत में देते हो, आप गाड़ी हम लोग उठा लेते हैं, लेकिन उसके बाद मसला हमारे लिए ये होता है कि आपने गाड़ी में अपना रेट शुरू किया होता है कि इस रेट पे है, तो अगला जब हम लोग ये गाड़ी आगे बेचना चाहते हैं, क्योंकि शोरूम ही वाले होते हैं, आगे हम लोग बेचना चाहते हैं, तो उसके बाद जो है हमारे लिए इशू होते हैं, वो कहते हैं कि यार ये तो आगा भाई ने यूट्यूब पे दी उसका ये प्राइस बता रहे और आप ये प्राइस बता रहे हो, डेफिनेटली वो ले रहा है कमाई के लिए ले रहा है, तो इस वजह से जो है ना ये हमारे क्वेटा वालों की खास मुझे मैसेज आया, खास मुझे उसने कहीं 4-5 मतलब ज्यादा लोगों ने कहा, 2-3 मरतबा पहले भी कहा था, लेकिन मैंने कहा कि चलो खैर, लेकिन अब मजबूरन मुझे जो है ना मैं यूट्यूब पे अपनी पेज पे या अपनी वीडियो में आप लोगों को मैं रेट नहीं बता पाऊंगा, वजह यह है कुछ गाड़ियों का डेफिनेटली बता दूंगा, लेकिन कुछ गाड़ियां जो मेरे पास अपनी खड़ी होती है जो मैं आप लोगों की शो करता हूँ उसका मैं माजरत चाहता हूँ, नहीं बता पाऊंगा, वजह ये आप लोगों को मैंने बता दी, तो ये वजह है, अगली ये वजह है कि बहुत दो मिसाल मैं वीडियो में बता देता हूँ कि मिसाल 15 लाख है और फिर जो है ना किसी के साथ सौदा हो जाता है, वो कहता है कि यार आप कमी पेशी कर ले ये कर ले, तो खुद हम लोग भी तो थोड़ा वो करते हैं, बार्गेनिंग तो सुनत ही है, चंदा तो सब मार रहे, तो इस वजह से हम लोग जो है उसके साथ थोड़ा आगे पीछे हो जाते हैं, फिर अगला बोलता है कि यार आगा भाई अपने वीडियो में ये बता दी और आपने अगले को गाड़ी इस कीमत में दे दी, मुझे नहीं दी ये, तो इस वजह से थोड़ा जो है हमारे लिए मसला बन रहा है। तो लेकिन मेरा नंबर आप लोगों को मैंने बताया, आपका मेरा नंबर यहाँ पे मिल जाएगा, तो जिस भी भाई ने गाड़ी के हवाले से प्राइस पूछना, बाकी डिलीवरी का पेमेंट का प्रोसीजर पूरे पाकिस्तान में A to Z आप लोगों को मैं उधर ही समझा दूंगा, प्राइस भी आप लोगों को मैं वहीं पर बताया करूंगा, वजह यह है कि मेरी मजबूरी है, यकीन आप लोग मेरी मजबूरी समझ रहे होगी, क्योंकि अब वीडियो ज्यादा लोग देख रहे, पहले वीडियो इतने तो नहीं देख रहे थे, अब वीडियो जो है ना ज्यादा लोग देख रहे, अपलोड करती है जो है ना पहले घंटे में या तो इसी दिन में जो है ना अपर आ जाता है, या तो कोई कोई गाड़ी तो खड़ी रहती है और महीना भी खड़ा रहता है, लेकिन ये जो है वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंच रही है, तो इस वजह से जो है ना कुछ मुश्किल आती है, तो इस वजह से आप लोग भी थोड़ा कोऑपरेट करें, तो प्राइस जो है आप लोगों को मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, आप मेरे से मोबाइल फोन पे पूछ सकते हैं, डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं, लेकिन कीमत
बहुत ही बेहतरीन कीमत आप लोगों के लिए इस गाड़ी का भी मैं लाया हूँ। बहुत ही कम कीमत में ये गाड़ी आप लोगों के लिए ना, यार आप लोग समझ सकते हैं कि मेहरान की कीमत में आप लोगों के लिए मिला। जब आप एक ओरिजिनल आप मेहरान अल्टो लोगी, मिसाल एक 2013 14 15 मॉडल की जो अल्टो लोगी, उस कीमत में आप लोगों के लिए मैंने आज ये गाड़ी लाई है। तो बाकी फिर आप खुद अंदाजा लगा रहे, आप लोगों को तो मैं प्राइस नहीं बताया करूंगा, इस तरह कुछ हिंट दिया करूंगा कि मिसाल ये इस कीमत में है। तो ये आज की गाड़ी जो है मेहरान अल्टो आप कह सकते हैं 2013-14 मॉडल की जो मेहरान अल्टो है, उस कीमत में आज आप लोगों के लिए गाड़ी मैं लाया हूं जो इतनी लग्जरी और इतनी प्यारी गाड़ी है। तो दोस्तों साथ ही साथ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो आपको मिले। और साथ ही साथ अपने कोई इजाजत दीजिए और मुझे दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।